हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे आरबीएनएल की कंपनी के रिलेटेड बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिलहाल बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक में फिलहाल हमको इन्वेस्ट करना है, फिर अवॉइड करना है, ये भी हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में कंपनी का जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे क्या बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र डालें, सो आरबीएनएल जो कंपनी है ना, ये कंपनी का लाइक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। कहाँ से? इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट से कंपनी को ऑर्डर मिला है फॉर डबलिंग ऑफ क्रैक बिटवीन जस्ट अ सेकेंड या फॉर डबलिंग ऑफ ट्रैक बिटवीन अंकाई स्टेशन टू 16 किलोमीटर टू कौन सा गांव है ये, करंज गांव स्टेशन। सो यहाँ तक कंपनी ने क्या है, एक ऑर्डर दिया जहाँ पे क्या कंपनी का ट्रैक बनाना है, डबल ट्रैक बनाना है। कितना? 16 किलोमीटर तक बनाने का है। एंड ये कंपनी को जो बोलते हैं ना ऑर्डर मिला है कितने रुपीज़ का, 440 करोड़ कंपनी का ऑर्डर मिला है। एंड आरबीएनएल को ये लगभग क्या 30 महीने के अंदर ही ये प्रोजेक्ट क्या है, इनको क्या है ख़त्म करना है, अंदर ही 30 महीने के अंदर प्रोजेक्ट इनको क्या ख़त्म करना है। सो बहुत ही बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। सो डेफिनेटली ये न्यूज़ के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा खासा मूव तो हमको देखने को मिलेगा ही। साथ में कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तभी कितना चल रहा है, 53,887 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप क्या है दिया हुआ है। बट यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखो तो कंपनी का लिटिल बिट प्रॉफिट कम आए हुए हैं। यहाँ पे देखो तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखे तो लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने लॉसेस कितने किए, -9.3% का। बट जिस हिसाब से कंपनी का न्यूज़ निकल के आया है उसकी बेसिस पे बोलूँ कि आप इसमें पैसा आप डाल सकते हैं। फिलहाल इसके चार्ट वगैरह भी देखोगे तो अच्छा खासा आपको समझ जाएगा किस तरीके से कंपनी का शेयर मूव कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक क्या माइनस में था कितना, 0.56% फ्राइडे के दिन लगभग जगह तो 1.45 रुपीज़ माइनस में था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो अराउंड जो इसमें मूव आएगा ना कौन सी जगह पे आएगा, 263.10 के शेयर के आसपास में मूव आएगा। आप यहाँ पे शेयर का बाइंग कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 280.95 का, आप इसमें टारगेट रखिएगा। सपोर्ट आपको लेके चलना है 245.20 का, बिकॉज अगर ये सपोर्ट लेवल थोड़ा सा देन 220 तक जो शेयर गिर सकता है। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है रेल विकास निगम में, विस आरबीएनएल में आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना है देख वेख के पूरा। ओके, सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।